मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की पूर्ण रूप से कर्ज माफी और गरीबों को मकानों के लिए 5 लाख देने का दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी मध्य प्रदेश में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का ऐलान किया है। साथ ही गरीबों के आवास के लिए 5 लाख, किसानों को फ्री बिजली, पेंशन जैसे कई बड़े वादे सपा ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। और लैपटॉप के साथ साथ आपने डेटा कार्ड की भी बात की थी, मुफ्त में डेटा देंगे, लेकिन अभी तक न लैपटॉप बांट पाए हैं और ना ही छात्र नौजवानों को डेटा दे पाए हैं। तो धोखा उत्तर प्रदेश में भी दिया, अब यहाँ स्कूटी देकर के धोखा देने का काम कर रहे हैं। पहले स्कूटी क्यों नहीं दी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज तक का रिकॉर्ड है, जो घोषणा पत्र में लिख दिया उसको कभी पूरा नहीं किया। 15 लाख लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। जनधन योजना के जो अकाउंट खुले थे वो खाली पड़े हैं। 2 करोड़ नौकरियाँ अभी तक रोजगार इंतज़ाम नहीं हो पाया है। और जो तमाम स्मार्ट सिटी बनाने का काम कहा था, कम से कम ये जो दृष्टि का कार्यक्रम आया है बीजेपी का, कम से कम ये दृष्टि तो देते दिखाते। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जो घोषणा करती है उसे पूरा करके दिखा सकती है। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कथनी को करनी में बदलकर लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर सपा की सरकार बनती है तो प्रत्येक गरीब को 5 लाख का आवास मुहैया कराया जाएगा। अखिलेश ने शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज ने किसानों के साथ केवल धोखा किया है। अखिलेश ने कहा कि ये घोषणा पत्र दूसरी पार्टियों से अलग है। घोषणा पत्र में गरीबों को जो आवास देंगे वो 5 लाख का होगा। उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए बनाए गए लोहिया आवास से ये बेहतर होगा। किसानों की हालत मध्य प्रदेश में बेहद खराब है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। जब ये घिर जाते हैं कि 2 करोड़ इन्हें नौकरी देनी है, जब ये घिर जाते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, जब ये घिर जाते हैं कि नोटबंदी को लाभ क्या हुआ अर्थव्यवस्था पर, RBI क्या कह रही है, सरकार क्या चाहती है, जब इन सवालों का इनके पास जवाब नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके धर्म के पीछे, जाति के पीछे छिप जाते हैं। कम से कम मुद्दों पर सामने आए और बहस करें। हम शायद मध्य प्रदेश में उतना काम नहीं किए हैं, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि समाजवादी कामों का ही शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। और अभी जो T20 हुआ था आपने देखा होगा, वो शानदार स्टेडियम समाजवादियों की देन है, उसका नाम हमने एकाना रखा था। एकाना भगवान विष्णु का नाम है और भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम बदल दिया। ये अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान सब करते हैं। मैंने उनसे कहा उसी दिन जब मैं बटेश्वर में था, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने भगवान का नाम बदला है, आप भगवान के नहीं हैं। जल्दी जल्दी से उन्होंने जियो बदल दिया और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, वो समय आएगा जब इकाना पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम होगा, जब ये भगवान के नहीं है बीजेपी के लोग। गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि अगर अभी भी कांग्रेस SP BSP गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर ले तो 200 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में आएगी। कांग्रेस से गठबंधन न होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धन्यवाद दिया, कहा कि अब हम उनकी नाकामियां बता पाएंगे। ये आप ये बात तो समझ लीजिए, मैंने टीम के बारे में तो कहा था लेकिन कप्तान के बारे में नहीं कहा था। आप निकाल लीजिए दोबारा, जरूर निकालिए और जरूर निकालिए। और हमारी अपील आज भी है, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, हम तो कहते हैं आज भी कर लो, बहुजन समाज पार्टी को साथ ले लो, हमें भी साथ ले लो, गोंडवाना को भी ले लो और 200 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। हम तो उन्हें कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं लिया। कम से कम उनकी नाकामी के बारे में तो हम बता पाएंगे।
उन्हीं की गलत नीतियों के कारण आज देश में भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम अब उनके खिलाफ भी थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर प्रदेश के किसानों और गरीबों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों पर इनका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।